गुड मॉर्निंग राधे राधे, उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, रात का टाइम है, रात को नींद नहीं आई थी, तो मैंने रात को मशीन रख ली थी सूट सिलने के लिए। क्योंकि देखिए ऐसा हुआ था कि शादी में गए हुए थे और उस टाइम पे मैंने गेट खोल दिया था, क्योंकि एक बार वो होता है ना मेरे साथ में तो यही होता है कि एक बार मैं गेट सॉरी आँख खोल जाती है ना तो फिर नींद नहीं आती है। तो देखिए मशीन तो लेके बैठी हुई थी मैं ढाई बजे से मशीन लेके बैठी थी 2:45 बजे से। तो मैंने कि थोड़ा वीडियो वगैरह भी बना लेती हूँ। तो देखिए अंधेरा हो रहा है, जब रात का टाइम है तो अंधेरा तो हो ही रहा होगा। अब ये देखिए सो रहे हैं और बच्चे भी सो रहे हैं, तीनों बच्चे सो रहे थे अभी आपने देखा था। और यहाँ देखिए ये मेरा सूट पड़ा था, तो नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ज़बरदस्ती कर रही थी ना सोने के लिए, तो सर में भी दर्द होने लगा था। मैंने सोचा इससे अच्छा तो यह है कि अपना सूट ही सिल लेती, कुछ तो काम हो जाएगा। तो मैंने ना उसके बाद में देखिए अपना सूट सिल लिया था और अच्छे से सूट सिल गया था। मतलब ये है, ज़बरदस्ती सोने के लिए कोशिश करो ना तो सर भारी हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं रहती और सर दर्द होने लगता है। ये मेरे साथ में तो यही होता है। तो बस मैं यहाँ पर अपना सूट सिल रही हूँ और ये भी सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे। उसके बाद में देखिए 5 बजे करीब मैं फ्री हुई थी मशीन से। 5 बजे के बाद में है ना फिर उसके अलार्म बज गया था, थोड़ी देर लेटी थी 5 मिनट के लिए, फिर अलार्म बज गया। तो उसके बाद में फिर अपने काम पे लगी थी, पूरी रात जगी थी उस दिन में, क्योंकि नींद नहीं आई थी तो इस वजह से पूरी रात जगना हो गया था मेरा। और उसके बाद में वही अपना सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, आटा लगाया था। सबसे पहले झाड़ू निकालती हूँ सुबह की, बर्तन होते नहीं, एक दो बर्तन होते हैं जो बच्चे दूध पीते हैं वो मैं सुबह ही करती हूँ, क्योंकि मैं बार बार पानी में हाथ नहीं देती, क्योंकि पानी में हाथ देती हूँ ना बार बार तो मुझे भी सर्दी जुकाम वैसे ही हल्का हल्का हो रहा है। तो दोबारा से फिर वही, मुझे ये था कहीं ऐसा ना हो फीवर वगैरह हो जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही फीवर हुआ था मुझे। तो मैं शाम का जो पानी का काम रहता है ना 9:30 के बाद में मैं पानी में हाथ नहीं देती हूँ। फिर उसके बाद में जो एक आध बर्तन रह जाते हैं ना दूध की चाय के, वो मैं सुबह ही करती हूँ। उसके बाद में देखिए वो एक दो दूध के बर्तन थे वो मैंने साफ़ किए थे। और उसके बाद में अपनी सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले बनाया दी थी, झाड़ू लगा दी थी, सबसे पहले सब्ज़ी बना दी थी, आटा लगा दिया था। उसके बाद में देखिए नहाने धोने के बाद हमारी पूजा पाठ भी हो गई थी, पूजा पाठ कर दी थी मैंने। ये देखिए अब देखिए कितना टाइम हो रहा है, बंदर बैठा हुआ है। मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। तो देखिए ये हमारा है पीने के लिए पानी, मैं इस जग में पीने के लिए पानी कर रही हूँ, पानी पी लेती हूँ मैं। और ये देखिए मैंने दिया था रक्षित को दूध पीने के लिए, क्योंकि रक्षित जब सोता है ना तभी उसे दूध दे देती हूँ। और यहाँ देखिए पूरे काम से फ्री हो गई थी, अब मैं जा रही थी रक्षित को स्कूल छोड़ने के लिए, तो मैं फिर शू वगैरह पहना रही थी, क्योंकि मुझे ये था लेट नहीं हो जाए, क्योंकि मैं अपने टाइम से ही निकलती हूँ। और देखिए आज मेरे लड्डू गोपाल ने वाली पोशाक पहनी है, ये आ रहा रुद्र की छुट्टी थी स्कूल की, क्योंकि इसकी स्कूल में बोर्ड का जो एग्ज़ाम है ना बच्चों का उसकी छुट्टी कर दी थी, इस वजह से रुद्र की छुट्टी थी। और ये पूरा चौकी का सीन है देखिए इस टाइम पे, सुबह देखिए मौसम हो रहा था बारिश का और अब देखिए धूप निकल आई है। और ये बैठा है सिम्बा को भी है ना, अब बोरी पे जैसे हम बिछा देते हैं ना तो उस पर अच्छा नहीं लगता, ये अलग ही बैठता है आकर के। देखिए टाइम हो गया है रक्षित के स्कूल का, मैं जाऊंगी रक्षित को स्कूल छोड़ने के लिए। और ये वीडियो गोलू ने ही बनाया है, वही अपने घुमाने में लगा हुआ है फ़ोन को, वही बना रहा है। मैं बना रही थी रक्षित को शू स्कूल ले जाने के लिए। गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्ण, उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काम से फ्री हो गई हूँ, नींद आ रही है, आज पूरी रात नहीं सोई थी मैंने, मैं आपने देखा था वीडियो में, इस टाइम पर मुझे नींद आ रही है। तो मैं पूरे काम से फ्री हो गई हूँ। अब पूरे काम से फ्री होने के बाद मैं रक्षित को भी छोड़ आई हूँ, मैं लेकर के बैठी हूँ चाय का गिलास, क्योंकि चाय की आज मैं मंदिर नहीं गई हूँ, क्योंकि आज मुझे इतनी आँखें चढ़ रही हैं ना, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, पैरों में भी दर्द हो रहा है क्योंकि पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं। तो यार तो मैं शाम को मंदिर जाऊँगी, अब नहीं गई हूँ मैं, शाम को जाऊँगी, सोच रही हूँ शाम को चली जाऊँगी मैं। और क्योंकि जब तक मंदिर के दर्शन नहीं होते ना तो मुझे थोड़ा अशांति सी नहीं मिलती, मुझे अच्छा सा लगता है अंदर से, मुझे मेरा मन खुश हो जाता है जब मैं मंदिर के दर्शन करती हूँ, मुझे मेरे मन को शांति मिलती है। तो मैं शाम को जाऊँगी, अभी तो नहीं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि अगर नहीं सोंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी पक्का, क्योंकि सर में अभी हल्का हल्का दर्द हो रहा है मेरे। और
चाय बना करके बैठी थी। आ जाइए आप सब भी, गरम गरम चाय पी लीजिए, क्योंकि चाय पीने के बाद में फिर मैं लेट जाऊंगी, फिर नहीं करूंगी। फिर गोलू जाएगा, आज बोर्ड वालों के एग्ज़ाम हैं, आज फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट पहली बार बोर्ड वालों के एग्ज़ाम की शुरुआत है, ठीक है, शुरुआत हो गई है। आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख से बोर्ड वालों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो गोलू स्कूल जाएगा, पर गोलू का टाइम थोड़ा आज के लिए चेंज कर दिया गया है। आज 1:45 का टाइम है, तो ऑटो वाले भैया वही 1 या 1:15 तक या 1 बजे तक आएंगे, वही 11:30, 12:30 तक नहीं आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे। और मैंने मुझे रात को ही शादी में गए थे, आगरा से ही शादी में गए हुए थे, तो ये रात को लेट आए थे। तो मैं जब तो सो गई थी, रात को जब लेट आए थे और मैंने डोर ओपन किया था ना, तो मुझे उसके बाद में नींद ही नहीं आई। फिर मैं ऐसे ज़बरदस्ती कर रही थी ना सोने के लिए, कहीं मैं सो जाती हूँ तो मुझे है ना मेरे सर में दर्द होने लगा था, तो इसलिए इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं कुछ और काम ही कर लेती हूँ अपना। तो देखिए मैंने सूट सिल लिया था बैठे बैठे, तो नींद नहीं आई थी ना, तो मुझे ये सूट सिल गया था मेरा। और ये मैंने कल शाम को ही काटा था, कल ये तो गई थी शादी में तो लेट आए थे, जब मैंने ये काट के रख दिया था, ये सोच के कटिंग की थी मैंने इसकी, कि मैं इसके इस वाले सूट को आज सिलूँगी। रात को ये कटिंग करके रखी थी कि मैं ये वाला सूट आज सिलूँगी। और ये पर मैंने रात को नींद नहीं आई थी, तो मेरा ये दोनों कुर्ता, ये कुर्ता है, इस पर तुरपाई का काम रह गया है, ये कुर्ता है और इसका प्लाजो बनाया है, ये अस्तर वाला है, इनर वाला है, अस्तर वाला है, कॉटन का अस्तर लगाया हुआ है मैंने इसमें, इस तरीके से कॉटन का अस्तर लगाया, तो ये अस्तर वाला है, तो है ना इस तरीके से इसका पूरे मैंने इसमें ना पूरे में ही इलास्टिक डाली है इस तरीके से। तो ये सूट मेरा कंप्लीट हो गया है पहनने के लिए। मुझे इसका कलर और इसका प्रिंट है ना मुझे बहुत सुंदर लगा था, तो मैं ये भी लेकर आई थी, अभी नहीं लाई हूँ बहुत टाइम का, और ये पता नहीं कब से रखा है सिलने के लिए, पर ये कल कटिंग हुई है और रात में सिल गया, पता ही नहीं चला इसकी, देखो। और एक सूट मुझे रहा ये पड़ा है सिलने के लिए, ये भी मेरा दिन अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर अभी हाल फिलहाल में लिया था ये मैंने, और उस टाइम पर ब्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं किया था मैंने, ये मैंने जब लिया था। तो ये मैं सोच रही हूँ शिवरात्रि पे पहनने के लिए, तो सोच रही सो के उठूँगी ना, उसके बाद में मैं इसकी कटिंग करूँगी। और ये मैरून कलर का है मेरे पास, बाकी का रेड कलर बहुत है, मैरून कलर नहीं है, फर्स्ट टाइम मेरे पास मैरून कलर है। तो देखिए इस तरीके से सूट है, मुझे इस तरीके से सूट ज़्यादा पसंद आते हैं, या तो प्रिंटेड वाले होते हैं, या इस तरीके से वर्क हो रहा हो और ये नीचे बॉर्डर हो, और प्लेन तो कम ही पसंद आते हैं। और इस तरीके से इसका कॉटन का दुपट्टा है इसका, इस तरीके से दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। तो एक तो ये सिलूंगी मैं, कल मैंने एक सूट और काटा था, एक तो ये प्रिंट वाला काटा था सूट मैंने, और एक इसके साथ में एक मैंने ब्लैक वाला भी काटा था सूट, ठीक है। ठंड लग रही है क्योंकि सुबह है ना मौसम हो रहा था बारिश जैसा, पर धूप निकल आई है। और एक ये है, ये वाला तो मेरा काफ़ी टाइम हो गया, शायद 2.5-3 साल हो गए इस वाले सूट को। ये वाला सूट मैं सिलूंगी होली के लिए, क्योंकि होली पर मैं पीला पहनती हूँ, पीला हो रेड हो, पर ये पीला रेड दोनों ही हैं। देखिए इस तरीके से इसकी रेड, इसका ये सलवार का कपड़ा है, इसकी पैंट बनाऊंगी मैं, ये सलवार है, कुर्ता पीला आएगा, इसका दुपट्टा भी इसका रेड है, दुपट्टा बहुत प्यारा है इसका। देखिए ये सूट मेरा कम से कम 2.5-3 साल हो गए इस सूट को, देखिए इस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मैं ज़्यादातर येलो कलर के सूट जब मौके आते हैं तभी पहनती हूँ, जैसे अब जब होली आएगी उस पर पहनूंगी, और भी आते हैं जैसे मेरा व्रत रहता है, जैसे आज है गुरुवार है आज है, तो आज मैंने देखिए पीला पहना हुआ है ये इस तरीके से। तो एक ये वाला होली के लिए सिल के रखूँगी, होली के ये वाला सूट होली के लिए सिलना है मुझे, तो ये होली के लिए सिल करके रखूँगी सूट को। और एक मैंने काटा था ब्लैक वाला कल मैंने ब्लैक वाला और काटा था, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये वाला सूट काटा था मैंने, ये इसका पीछे का पल्ला है, पीछे का है, और इसमें बाजू भी है, ये पैंट है इसकी, और ये इसका कुर्ता है, इसकी कटिंग कर रखी है मैंने, ये आगे का पल्ला है, पीछे का दिखा रही है, ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो मैं गले वगैरह बनाती हूँ उसमें काम आते हैं ये, वो है। और इसका दुपट्टा इस तरीके से है। अब ये सूट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइम पे चले थे, ये बहुत पुराना सूट है, कम से कम 3-4.5 साल पुराना सूट है ये मेरा, बहुत पुराने पुराने सूट रखे हुए, पर नंबर नहीं आ पाता सिलने का। तो देखिए इसका दुपट्टा बहुत प्यारा, ये सूट मैंने लिया था
4 साल पहले लिया था। इसके सिर्फ दुपट्टे की वजह से मैंने ये सूट लिया था। ये इसका दुपट्टा बहुत पसंद आया था मुझे। इस तरीके से दुपट्टा आएगा इसका, देखिए लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरे किसी भी सूट पे चलेगा। सूट रिटायर हो जाएगा ना तो दुपट्टा तो रिटायर नहीं करूँगी मैं। दुपट्टे की वजह से सूट लिया है मैंने, तो बस यही है। अब ये सूट जब सिल जाएगा ना इसे मैं पहनूंगी। ये तो मैं सब डेली यूज के लिए, ये जो प्रिंट वाला सिलाया जो रात को सिला था वो भी मैंने डेली यूज के लिए सिलाया, और ये ब्लैक वाला ये डेली यूज के लिए सिलूंगी, और एक ये येलो वाला जो होली के लिए बताया था, और ये वाला, ये वाला उसी दिन पहनूंगी, फिर आने जाने के हिसाब से रख दूंगी। थोड़ा जैसे मंदिर वगैरह जाती हूँ और जैसे दिन में भी जाना पड़ जाता है, दिन वगैरह इसी में रखती हूँ। चलिए तो मैं चाय पी लेती हूँ, आप भी पी लीजिए, आ जाइए गर्म गर्म चाय। तो चलिए हम बाद में बात करते हैं, मैं बस चाय पी करके थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि आराम नहीं करूँगी तो बीमार पड़ जाऊँगी पक्का। चलिए तो अब मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि रक्षित को स्कूल से लाने के बाद मैं मुझे चाय चाहिए थी, क्योंकि मेरा था व्रत। और मैं पूरी रात जगी थी ना, तो मुझे लग रहा था मैं जब मैंने आपसे बातें की थी मुझे लगा था मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर, पर मेरा सोना नहीं हो पाया था, क्योंकि ये था ना कि अभी गोलू भी जाएगा और कहीं लेट नहीं हो जाए गोलू, लंच पैक करना है और मुझे भी रक्षित को लेने जाना है, कहीं ऐसा ना मैं सोती रहूँ। ये बहुत सी बातें होती हैं हमारे माइंड में, जिससे कि ये लगता है कि भाई बच्चे कहीं वहाँ बैठे नहीं रहे स्कूल में, तो बस यही रहता है। और यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि व्रत था और मुझे पीनी थी चाय। तो ये देखिए हमारी चाय, इसमें उबाल आ रहा है चाय में। ये भवाने में दूध था, तो रुद्र को तो रुद्र की जैसे छुट्टी थी, मैंने आपको बताया है रुद्र की छुट्टी थी, उसके बोर्ड वालों का एग्जाम था ना, तो इसलिए उसकी छुट्टी कर दी थी, तो रुद्र को तो मैंने दूध दे दिया था। गोलू भी स्कूल दूध पी करके चला गया था अपना, और उसके बाद मैं रक्षित को स्कूल से आकर के दे दिया था, थोड़ा बचा था वो गर्म करके मैंने एक उसमें लोटे में रख दिया था। और उसके बाद में मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन था। और यहाँ देखिए रक्षित आ गया है स्कूल से, शाम का टाइम है, रक्षित आ गया था स्कूल से, और ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे थे। ये देखिए ट्यूशन से आ गया था रक्षित, और मैंने शाम को पूरा आंगन वगैरह दोबारा से, मेरा जैसे जितना काम मैं सुबह करती हूँ ना उतना ही काम मेरा शाम को हो जाता है पूरा, तो बस अपने काम से फ्री हो रही थी। यही वाला सूट सिला था, और देखिए ये वाली पोशाक मेरे वीडियो पर आ गई है, दूसरा चैनल उस पर आ गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मुझे बनाने थे आलू के पराठे बनाने थे, तो उसके लिए आलू बॉईल कर लिए हैं, हरा धनिया हरी मिर्ची साफ़ करके, और मतलब हरी धनिया को साफ़ करके और हरी मिर्ची को कट करके मैंने डाल लिया है, कट करके, और इसमें मैंने पूरा मसाला डाल लिया था, थोड़ा गरम मसाला हींग, हल्दी नहीं डाली थी, नमक और लाल मिर्च, हाँ धनिया पाउडर, ये डाल दिया था, आटा लगा करके रख दिया था मैंने। ये बन रहे हमारे गरम गरम पराठे, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए गरम गरम पराठे आलू के और टमाटो केचप के साथ में, क्योंकि और इसमें मैंने प्याज नहीं डाली थी। और ये दूध रखा है गर्म करने के लिए, मैंने सोचा पहले पराठों से फ्री हो जाती हूँ जब मैं दूध बना रखती हूँ गर्म करने के लिए। और सिम्बा को और जॉनी को मैंने पहले ही बना दिया था खाना, उन्हें भी पराठे बना करके मैंने उन्हें खिला दिया था। ये बच्चों के लिए बना रही थी और बच्चे आए थे जब तक, ये भी आ गए थे। और अभी मिलेगा आपको रक्षित का डांस देखने के लिए, तो आप रक्षित का डांस देखिए, देखना और बताना रक्षित का डांस कैसा लगा है आपको, क्योंकि रक्षित ने ना इसमें डांस भी किया है, गाना भी गाया है, पहले गाना गाया है फिर डांस किया है उसने, तो बताना और कमेंट करना उसके लिए, उसका आपको कैसा लगा डांस वगैरह, तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। देखिए ये एनर्जी नहीं है इसमें, डाकू वाले गाने पे एनर्जी आती है इसमें। Thank you.
Gracias.